नमस्कार, स्वागत है फिर से एक और न्यू ब्लॉग्स में। दोस्तों अभी मैं आया हूँ सरेह की तरफ घूमने। शाम के अभी 4:45 हो रहा है और अभी का समय व्यू दे सकते हैं किस चीज प्रकार का है। और ये हमारा धान है दोस्तों, तो आधा इसमें पक चुका है, आधा पक रहा है, पकने का है। तो लगभग 10 दिन में हो जाएगा कटने वाला, ये देख सकते हैं। तो पक्का है, आधा कच्चा है। नीचे जो है ना जड़ में देख सकते हैं, जड़ में कच्चा सब है और ऊपर पक चुका है, और कुछ जो है ना पूरा तरह से पक चुका है जैसे कि देख सकते हैं, और कुछ अभी बहुत पूरा कच्चा ही है। तो 10 दिन में पूरा हो जाएगा काटने वाला। तो देख सकते हैं इस तरह का भी है धान का। और दोस्तों अभी जो है ना भदवारी ख़त्म हुआ है, तो इस तरफ देख सकते हैं बांस है, तो जंगल ज़्यादा है, तो अंदर जाने में मन में डर लगता है, इसलिए क्योंकि दोस्तों सांप उपसा रहता है, कीड़ा उड़ा रहता है, तो इसलिए अंदर जाना चाहता हूँ लेकिन जाने का मन नहीं करता है, क्योंकि ज़्यादा घास घूस ज़्यादा है और उसमें अभी के समय में सांप रहता है, इसलिए अभी नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे। थोड़ा सुबह आते तो जाता लेकिन अभी नहीं जाएंगे, ऐसे काम भी नहीं है, अंदर जाने का काम रहता तो जैवे करते लेकिन काम नहीं है, तो इधर से ही घूम के अभी दोस्तों चल रहे हैं। चलते हैं वो सामने वाला खेत में, उसमें देखते हैं पक्का है कि नहीं, उस तरह उधर का उस खेत में का धान किस तरह का है, कच्चा है कि पक्का है, क्योंकि बहुत दिन पहले का आया हूँ, अभी फूटा नहीं था, यानी कि देख सकते हैं ऐसा था तभी का आया हुआ था। तो चलते अभी देखते हैं किस तरह का धान है उस खेत में का। दोस्तों शाम के समय जो है ना, आज बहुत दिनों के बाद आया हूँ घूमने, तो बहुत ही अच्छा लगता है शाम के समय में सरेह की तरफ घूमने के लिए। इधर देख सकते हैं धान कट भी गया है, क्योंकि इसका धान जो है ना पूरा पक चुका है, पूरा जड़ में ले, पूरा बाल जो है ना बाल में पूरा पक चुका है, इसके लिए ये काट लिया है। अब मेरा धान ऐसा है कि ऊपर का धान पका है और एक ही बाल में ऊपर पका है और उसके जड़ में कच्चा है, इसके लिए अभी नहीं काट रहे हैं, 8-10 दिन में काटेंगे। तो चलिए घूमते हैं, इस तरह का है, वो जो काट लिया है वो थोड़ा पूरा पक गया था, इस तरह का हमारा है, तो इसमें देख सकते हैं अभी कच्चा है, और ये हमारा धान है देख सकते हैं, तो इसमें भी इसी तरह का धान है, आधा कच्चा है आधा पक्का है, यानी कि ये भी ये तो लगभग दिवाली के समय तक होगा काटने वाला, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कच्चा है, फूट गया है पूरा लेकिन कच्चा है, अथवा पक्कू बोल सकते हैं इसको। चलिए घूमते हैं और चलते हैं, यहाँ से लगभग 500 मीटर मान सकते हैं, 500 मीटर वो सामने मुरई दिख रहा होगा, ट्रांसफार्मर है वहीं पे है, छोटा छोटा दो खेत में, और तो वहाँ के देख के चलते हैं देखेंगे कि वहाँ का धान कैसा है, क्योंकि ये धान दूसरा है वो धान दूसरा है, तो वो जाना चाहिए। चलते हैं देखते हैं किस तरह का धान है। दोस्तों वहाँ चल ही रहे थे कि देख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ का व्यू दिखाते हैं, आरी का किस तरह का कर दिया है, ये बंसुगर जो होता है ना बंसुगर, पूरा आरी को जो है ना पूरा हटा दिया है, इधर का मतलब आरी पर थोड़ा माटी है ही नहीं, इधर उधर सारा उखेल दिया है, उसका दांत बड़ा बड़ा रहता है ना बंसुगर का, तो सारा उखेल दिया हुआ है, देख सकते हैं इधर ठीक है लेकिन ये पूरा आरी को पूरा उखेल दिया हुआ है। तो बंसुगर से भी दोस्तों बहुत ही डर के रहना पड़ता है, क्योंकि वो अकेला देखेगा तो सीधे फाड़ देगा, चीर फाड़ देगा, इतना कटा होता है। दोस्तों इस समय जो है ना आरी पर भी चलने में बहुत ही डर लगता है, क्योंकि घास उस है, पानी उनी है, तो सांप ऊपर आता है तो देखकर चलना पड़ता है। अभी आ गया दोस्तों रोड पर, गाड़ी उड़ी आता है चार चक्का, यानी कि ट्रैक्टर उट्रेक्टर आता है, उस आरी पर आ गया, रास्ता पर आ गया, अभी अंदर में से आ रहा हूँ, इधर जाने का रास्ता नहीं है, ऐसा चौड़ा आरी होकर के आया हूँ, तो इस समय जो है ना बहुत ही देख करके संभल के चलना पड़ता है आरी पर, क्योंकि घास भूस पानी उनी उसमें सांप ऊप हो सकता है, इसके लिए देख करके आना होता है। चलिए अभी आते हैं आगे से थोड़ा सा घूम करके, इस तरह का व्यू है देख सकते हैं, कितना प्यारा सा व्यू है दोस्तों, शाम के नज़ारा देख करके मज़ा आ जाता है दोस्तों, शाम के समय घूमने में मज़ा आ जाता है सरेह की तरफ। ये दोस्तों भी आ गए इस वाले खेत में, इस खेत के बगल में है, तो उसमें देखते हैं किस तरह का है धान।
क्योंकि ये सब तो ज़्यादा पक गया है, ये कटने वाला हो गया है, लगभग 2-4 दिन में कटाएगा। लेकिन हमारा इधर है, देख सकते हैं तो ये अभी फूट चुका है, लेकिन कच्चा माल है, अभी कच्चा है, अभी आधा आधा भी नहीं पका है, यानी कि 12 आना पकने का है, अब 4 आना पक गया है इसमें, यानी कि ज़्यादा इसमें अभी कच्चा ही है। ये भी दिवाली के समय तक होगा। चलिए अभी फ़िलहाल दोस्तों चलते हैं और उस वाले खेत में से आते हैं घूम करके। वो अगला वाला मरैया दिख रहा है वहाँ पे, मोटर का मरई है, तो वहाँ पे चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों अभी मैं आ गया इस वाले खेत में, जो कि देख सकते हैं ये मोटर है सामने, दूसरे का है, हमारा नहीं है। तो यहीं पे ये हमारा खेत है दोस्तों, ये वाला। तो इसमें का ध्यान देख सकते हैं दोस्तों, इसमें भी दोस्तों पूरा पक चुका है इसमें, लेकिन कहीं कहीं जो है ना, कहीं कहीं हरा दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, कहीं कहीं नहीं, तो ये पक गया है। ये लगभग 5-6 दिन में ये काटने वाला हो जाएगा। तो हमारा दो खेत में जो है ना इस तरह का धान है, तो इस तरह का धान जो है 5 दिन में काटने वाला हो जाएगा। और हमको जो है ना धान के कटने में लग जाएंगे, तो हो जाएगा, टाइम लगेगा इसमें हमको लगभग 7-8 दिन, 10 दिन मानिए 10 दिन टाइम लगेगा। ऐसे भी बीच बीच में अगर टाइम लगेगा तो जाएंगे फ्री पर, नहीं तो लगातार करेंगे तो 10-12 दिन हमको, 10 मानिए 15 दिन मान सकते हैं कि लगेगा हमको धान कटने में। और 3-4 खेत में देखे हैं दोस्तों, और दूसरा उधर जाने का है तो उधर नहीं जाएंगे क्योंकि लेट हो जाएगा। देख सकते हैं ये उधर उधर खर है, खरी का फूल है, खरी के उस बाजू जो है ना एक और खेत है, तो उसमें धान भी है इसी तरह का है, तो वहाँ अभी नहीं जाएंगे क्योंकि अभी शाम हो गया। देख सकते हैं बेर डूब चुका है दोस्तों, जब मैं वीडियो स्टार्ट किया हूँ तो बेर था ही थोड़ा थोड़ा, लेकिन अभी बेर डूब चुका है। तो अभी मैं यहीं से लौट करके चलता हूँ, रास्ता वो सामने ट्रांसफार्मर है तो रास्ता होकर के चलेंगे। तो चलिए अभी चलते हैं घर पे, सीधे घर के लिए निकलते हैं। और जिसमें बिरार था, बिया गिरा हुआ था, उसमें का धान कैसा है, तो चलेंगे, चलते हैं देखते हैं। यही दोस्तों मरई है, यहाँ पर मचान है और वो बॉडी है, यहीं पे मोटर लगा के चलता है। तो चलिए चलते हैं। इस तरह का दोस्तों व्यू है कुछ खेती का। कैसा लगा आप लोगों का ब्लॉग्स, कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और कुछ सवाल जवाब है तो कमेंट द्वारा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी चलते हैं उस बिरार में जिसमें बिया गिरा हुआ था, उसमें से उखड़ उखड़ के सारे खेत में रोपाया, उस बिरार में चलते हैं और उसमें का धान देखते हैं कैसा है, क्योंकि वो सबसे पछात पूरा खेत रोपा गया, पूरा धान रोपनी खत्म हो गया, लास्ट में वो सबसे अंत में रोपाया हुआ था, तो उसमें का धान कैसा है दिखाते हैं किस तरह का। ऐसे भी ये धान सब जो है ना आगात होने वाला है, और ये धान जो है ना सबसे पछात होने वाला है, अगहनुआ धान जिसको बोलते हैं, अगहन में होता है छठ पूजा के बाद, तो अगहनुआ धान, तो यही है दोस्तों दिखाते हैं। तो देख सकते हैं इसमें अभी पूरा हरा ही है, अभी एक भी फूटा भी नहीं है दोस्तों। ये दूसरा धान है, देख सकते हैं फूट गया है थोड़ा सा, लेकिन इधर देख सकते हैं ये दूसरा धान है, अगहनुआ धान है, नटवा मंसूरी इसको बोलते हैं, तो ये है, तो ये अभी नहीं फूटा है। अभी दूसरा धान जो फेंट है ना मिक्स वाला है, तो एक आध देख सकते निकल रहा हुआ है, नहीं तो ये धान सब सारा अभी नहीं निकला हुआ है। तो ये सब होगा लास्ट में, सबसे अगले महीना में छठ पूजा के बाद अगहन, यानी कि नवंबर लास्ट नवंबर तक इसमें का होगा, लास्ट नवंबर तक। तो चलिए दोस्तों घूम लिया और बेर भी डूब चुका है, शाम भी हो गया है, और हमको घर चलते चलते जो है ना अंधेरा हो जाएगा, तो चलते हैं घर पे दोस्तों। और ये हमने आपको खेती बाड़ी का वीडियो बनाया हूँ और घुमाया हूँ अपने सरेह में, किस तरह का वीडियो लगा कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों कल सुबह फिर से एक और न्यू ब्लॉग्स के साथ, अभी लेता है, बाय बाय, गुड इवनिंग।